वेज मंचूरियन घर पे बनाना होगा बहुत ही आसान, वो भी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी। इतनी आसान रेसिपी कि आप एक बार बनाएंगे तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। आप बना सकते हैं एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा वेज मंचूरियन घर पे। सबसे पहले चाहिए हमें बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कैबेज, थोड़े से बीन्स ले लिया मैंने एकदम बारीक कटे हुए, गाजर, थोड़े से स्प्रिंग अनियन एंड हमने लिया है यहाँ पे स्लिट ग्रीन चिलीज, एक फाइनली चॉप्ड अनियन। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे पानी और उसे बॉईल कर ले। उसमें ऐड कर देंगे हमारे जो भी बचे हुए लेफ्ट ओवर सब्जीज में से थोड़े थोड़े सब्जियां, जैसे कि प्याज, थोड़े से गाजर, स्प्रिंग अनियन, थोड़े से बीन्स, इन सबको अच्छी तरीके से हमें बॉईल आने देना है। थोड़ा सा पत्ता गोभी ऐड करें, इसे मिक्स करके बॉईल आने दे। हमें स्टॉक को बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाना है, इसी से हमारा मंचूरियन बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर डालेंगे, इसमें अजीनोमोटो फॉर फ्लेवर। इसे 10-15 मिनट्स के लिए कुक कर ले लो टू मीडियम फ्लेम में। आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसे आप स्ट्रेन कर दें, साइड में रख दे। नेक्स्ट हमें मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लेना है, जिसके लिए बोल में हमें ऐड कर देना सारे बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स। ऐड करेंगे इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज डालेंगे, इसमें थोड़े से कोरिएंडर स्टेम, थोड़े से स्प्रिंग अनियन, लास्टली ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, पेपर पाउडर, थोड़े से रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। लास्टली ऐड करेंगे इसमें अजीनोमोटो या MSG, इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना, अच्छे से सब्जियों को मसाले में मिला लेना ताकि फ्लेवर्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून मैदा एंड 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। सेम प्रोपोर्शन में मैदा एंड कॉर्नफ्लावर यूज करना है हमें, इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि इस वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड इसे हमें हाथ से इस तरीके से मिक्स करना है मसलते हुए, ताकि जो वेजिटेबल्स है उसमें से वाटर रिलीज हो, ताकि जो मिक्सचर हो वो अच्छे से बाइंड हो सके एंड इसके हम स्मॉल स्मॉल मंचूरियन बॉल्स बना सके। बिना कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड किए हमें इस तरीके से मिक्सचर को रेडी करना है। मंचूरियन बनाने के लिए जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से राउंड करते हुए हमें छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स रेडी कर लेने हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरीके से, एकदम ना ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए हमें राउंड राउंड सा शेप देना है एंड मंचूरियन बॉल्स को रेडी कर लेना है। सारे मंचूरियन बॉल्स को रेडी कर लिया है एंड ये बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। मीडियम हीटेड ऑयल में ऐड कर देंगे बारी बारी से बनाए हुए मंचूरियन बॉल्स। 1 मिनट के लिए इसे बिल्कुल ना हिलाए, अपने आप एक क्रस्ट फॉर्म होने दे। उसके बाद एकदम हल्के हाथों से हमें इस तरीके से फ्लिप करते हुए इसे फ्राई कर लेना है, जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। मंचूरियन बॉल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे ऑयल से निकाल दें, एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ होने दें, साइड में रख दें। सेकंड बैच ऑफ मंचूरियन बॉल को भी इस तरीके से फ्राई कर लें, साइड में रख दें। नेक्स्ट हाई हीटेड ऑयल में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक एंड कोरिएंडर स्टेम। नेक्स्ट डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया, इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स करके फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए। ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पोर्शन, इसे मिला लें, थोड़ी देर फ्राई कर लें। गार्लिक अच्छे से गोल्डन हो गया, इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज, इसे अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ी देर और फ्राई कर लें। इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें अनियन। अनियन के मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेटल कट कर लिए। जनरली मंचूरियन में इस तरीके से वेजीज नहीं ऐड करते, बट आप जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। कैप्सिकम ऐड करके हमें मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर कुक करना है। नेक्स्ट डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पेपर पाउडर, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें अजीनोमोटो 1 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लें। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम रेडी कर लेंगे चिली पेस्ट। एक बोल में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, उसमें डाल देंगे पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। चिली पेस्ट रेडी, इसे साइड में रख दे। अनियन अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, डालेंगे इसमें टोमेटो केचप एंड ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। लास्टली ऐड करेंगे इसमें चिली पेस्ट, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारे मंचूरियन में। इसे अच्छे से मिक्स कर लें एंड फ्राई कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस स्टेज में हमें ऐड करना है अपना बनाया हुआ वेजिटेबल स्टॉक। इस तरीके से ही वेजिटेबल स्टॉक को प्रिपेयर करें, इससे आपका मंचूरियन हमेशा रेगुलर टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और फ्लेवरफुल बनेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए एंड बॉईल आने दे। जब तक ग्रेवी हमारी बॉईल हो रही है तब तक हम रेडी कर लेंगे इसको थिक बनाने के लिए स्लरी। बोल में ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, उसमें डाल देंगे पानी, इसे अच्छे से मिक्स करें। हमारी कॉर्न स्लरी है बिल्कुल रेडी, इसे साइड में रख दें। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है, इसे हाई फ्लेम में इस तरीके से बॉईल होने दें, एक बार मिक्स कर ले। इस स्टेज में हमें ऐड कर देना अपना बनाया हुआ कॉर्न स्लरी। इसे कंटिन्यूअसली स्टर करें एंड हाई फ्लेम में हमें बॉईल होने देना है। इसे कुक कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है। अगर इससे पतली है तो आप थोड़ा सा और कॉर्न स्लरी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज में हमें ऐड कर देना अपना फ्राई किया हुआ मंचूरियन बॉल्स। ग्रेवी में बॉल्स ऐड करते हुए ध्यान रखें कि जो ग्रेवी है वो ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वरना बॉल्स जो है वो बहुत सॉगी बन जाएंगे एंड बॉल्स टूट सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लें, लो फ्लेम में थोड़ी देर कुक होने दें। देन ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन एंड इसे अच्छे से मिला लें। 4-5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम में इसे कुक कर लेना है। इससे मंचूरियन बॉल्स में फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से चले जाते हैं। हमारा मंचूरियन है बनके बिल्कुल तैयार। इसे गर्मा गर्म सर्व करें एंड आप इंजॉय कर सकते हैं इसे फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।